मुंबई के मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन में छिड़ा विवाद। जेडीयू ने कर दिया बड़ा ऐलान, कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन दो अहम बैठकों का आयोजन कर चुका है और जल्द ही तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। अभी तक गठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई है कि इस गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन सा नेता होगा। हालांकि समय समय पर कई तरह की अटकलें लगाई जाते रही हैं। इसी बीच बिहार सरकार के एक मंत्री ने पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, वो केवल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इन सबके बीच मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू ने एक बार फिर पीएम के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता जमा खान ने कहा कि देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जमा खान के इस बयान के बाद एक बार फिर गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर बहस छिड़ने के आसार हैं। जमा खान के इस बयान पर अभी तक नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर पीएम मोदी 2024 में फिर से वापस आते हैं तो वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान करने वाले हैं। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 सालों में देश में कौन कौन से काम किए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने को लेकर बयानबाजी हुई थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे पर लगातार पोस्टर, बैनर या बयानबाजी चलती रहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी साल अप्रैल में उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचें। मैं 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने पर काम कर रहा हूं। इस तरह की बयानबाजी से उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मेरा नाम जपने से बचें। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।